हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखिए, इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते रहे बोर्ड में क्वेश्चंस। ओके, तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो एसिड्स हम जानते हैं क्या होते हैं। एसिड्स, व्हाट आर द एसिड्स? एसिड्स आर द सबस्टांस विच गिव्स एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स वो सबस्टांस होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन वो सबस्टांस होते हैं जिनको पानी में घोलने पर एच प्लस आयन मिलता है। तो एसिड्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है? एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड की सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है एसिड। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, तो ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो एसिड हैव सोर टेस्ट। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एसिड सॉल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड, ये ध्यान रखिए, एसिड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस, रेड में कन्वर्ट करेगा, और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो एसिड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड्स में कन्वर्ट करेगा। और एसिड सॉल्यूशन का जो पीएच होगा लेस देन 7 होगा। पीएच के बारे में बेटा हम जानते हैं कि पीएच जो जिन सॉल्यूशंस का पीएच 7 से कम होता है वो एसिड होते हैं, जिन सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, और जिन पीएच का सॉल्यूशन 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 तक होता है, ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। हम लोगों ने पीएच में ये भी पढ़ा है कि ब्लड का पीएच बेसिक होता है 7.4 पीएच ब्लड का होता है, ठीक है। बाकी जितने भी एसिड्स हैं इनका सबका पीएच लेस देन 7 होता है। वाटर का पीएच 7 होता है, दैट इज़ वाटर इज़ न्यूट्रल, इट इज़ नाइदर एसिड नॉर बेस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एसिड सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? लेस देन 7। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर हैज़ द पीएच, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दिया होगा, ए ऑप्शन होगा 0, बी होगा 7, सी होगा 5, डी होगा 10। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, पीएच जनरली 0 टिक कराते हैं, तो 0 नहीं टिक होगा वहाँ पर, पीएच न्यूट्रल पीएच टिक होगा, ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा पीएच 7, ठीक है। तो ध्यान रखिए एसिड सॉल्यूशन का पीएच होता है लेस देन 7। मोस्ट एसिड सॉल्यूशंस आर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब क्या है? ये गला देंगे मेटल्स को, जैसे अगर मेटल उसमें डुबो के रखी जाए तो मेटल गला देंगे या उन्हें रस्ट करेंगे उनपे, ठीक है। तो ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस इन द सॉल्यूशन। हमने आपको बताया एसिड्स वो सबस्टांस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे? एच प्लस आयन। तो जब आयंस है तो आयंस की मोबाइलिटी की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयन होगा और आयंस की मोबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सो एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिड्स के क्या है। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है लैब में, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, SNO3, तो ये मैन मेड एसिड है। और जो नेचुरल एसिड्स हैं तो एथनोइक एसिड होता है, जैसे विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड होता है, नींबू में होता है ना, इस तरह से कई सारे एसिड होते हैं, टार्ट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स में होता है टार्ट्रिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं आगे, प्रॉपर्टीज़ में सोर टेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ब्लू से रेड करते हैं लिटमस पेपर को, और पीएच लेस देन 7 करते हैं। ये एक रिवीजन स्लाइड है। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि एसिड जब कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ये आप बात एकदम ध्यान से बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, प्लीज़ फोकस ऑन दिस पॉइंट। एसिड व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है तो H2SO4 एसिड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन किया तो क्या होगा, MgSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकली है। लास्ट वाली रिएक्शन देखिए, और रिएक्टिव मेटल्स गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स इजली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, हम जानते हैं मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है नेचर में, तो मेटल क्या करेंगी, पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगी, और जब पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगी तो वो क्या बनाएंगे,
मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगी, सॉरी मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगी और क्या बनाएंगी, पॉजिटिव आयन बनाएंगी। तो एसिड चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, दे कन्वर्ट द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज येलो टू पिंक। मेथिल ऑरेंज एक इंडिकेटर सोल्यूशन होता है। इंडिकेटर सोल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, रिविजन करिए, इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं जो एसिड सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में जो सब्सटेंसेस अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर सोल्यूशन कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन, द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट कलर इन द एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन, और द सोल्यूशन विच हैव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच, दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सो द इंडिकेटर्स में हमारे पास दो अच्छे इंडिकेटर्स हैं, एग्जाम्पल है फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर जो होगा क्या होगा, येलो टू पिंक, एसिड सोल्यूशन को येलो कलर से पिंक कलर में करेगा, और एसिड टर्न द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन टू कलरलेस। ओके, एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सम एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर विच मीन्स दैट दे कोरोड ऑफ और रस्ट मेटल्स। एसिड टेंड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, रिएक्शन इज प्रोवाइडेड अर्लियर, सो दे प्रोड्यूस एच प्लस आयन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। क्लियर, देखिए सेकंड पॉइंट्स, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड जब कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। समझ लीजिए, कार्बोनेट क्या होता है CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है HCO3-। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो NaHCO3 हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 हो जाएगा। दोनों में CO3 है तो जब कोई एसिड इनसे रिएक्शन करेगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकालेगा। तो समझ लीजिए जब CO3 होगा तब CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, एक्सट्रीमली एक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम कैल्शियम टेंड टू एक्सप्लोड व्हेन कंबाइंड विद एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड जो होते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। तो CO3 है मतलब कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बोनिक एसिड किस में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, जो हम लोग पेप्सी थम्स अप पीते हैं इनमें सब में कार्बोनिक एसिड होता है। अब इसमें से गैस कौन सी निकलती है कार्बोनिक एसिड में, CO2 गैस। ठीक है, तो एसिड कोई भी CO2 कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रिक एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। मेटल्स दैट जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन आर मेटल्स विच लाई अबव हाइड्रोजन इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो मेटल ऊपर हैं, हाइड्रोजन से जो मेटल ऊपर हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। ठीक है, मेटल्स दैट जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन आर द मेटल्स विच लाई अबव हाइड्रोजन इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड फॉर्म एक मिनट बेटा, कुछ प्रॉब्लम है। एसिड फॉर्म ए सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड व्हाइल रिएक्टिंग विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो मेटल, उसके साथ में अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2। ठीक है, तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। एसिड एंड मेटल सल्फाइड्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अगर मेटल सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सल्फाइड्स के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड और सल्फाइड दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो एसिड अगर मेटल सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, H2S गैस निकलेगी। और एसिड अगर बाइसल्फाइड और मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। एसिड लूसेस दियर एसिडिटी व्हेन मिक्स्ड विद बेस। अगर एसिड को हम बेस के साथ में मिक्स करें तो क्या होगा, एसिड की एसिडिटी कम हो जाएगी या एसिड की पावर कम हो जाएगी। व्हेन एसिड मिक्स्ड विद बेस देन इट गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड गेट डिक्रीज्ड। ओके, सो फॉर एग्जांपल देखिए क्या होगा,
अब आपने HCl लिया, यू हैव टेकन द HCl, HCl इज द एसिड इच विल गिव H प्लस आयन इन द एक्वस सोल्यूशन, और आपने एक साइड NaOH लिया, यू हैव टेकन द NaOH अनदर बीकर, ओके सो NaOH लिया आपने, और NaOH क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस आयन देगा, OH माइन NaOH में और HCl को अगर आपने मिक्स किया तो HCl का H प्लस और NaOH का OH माइनस विल कम्बाइन ईच अदर एंड फॉर्म वाटर H2O, तो सॉल्ट एंड एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे, एसिड एंड बेस मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी, और इस वजह से क्या होगा, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, या बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड से। द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रासिड्स, मोनोबेसिक एसिड एंड डाई बेसिक एसिड्स, ट्राई बेसिक एसिड, ये सब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से या इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसमें डाल दिया है। बाकी एसिड्स की प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, आपके लेवल पर यही है कि मेटल से जब भी एसिड रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो एसिड, तो CO2 गैस निकलेगी, सल्फाइड से रिएक्शन करेगा, मेटल सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो H2S गैस निकलेगी, और सल्फाइड और बाईसल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। एसिड का pH लेस देन 7 होता है, एसिड टेस्ट में शोर होता है, और ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, ठीक है बेटा, ओके थैंक यू बेटा। इस स्लाइड्स को देखिए, अपना पूरा रिवीजन करिए फिर से, और जो चीज़ नहीं समझ में आई है बेटा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, ओके थैंक यू।